धू धू कर जलते पेड़ पौधे, आग की विशाल लपटें और धुओं का उठता गुब्बार, यह कोई टीवी या फिल्म का सीन नहीं और ना ही कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स है। यह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग का एक छोटा सा नजारा है। आग की विकरालता इतनी भयावह थी कि इसमें अब तक 480 मिलियन अर्थात 48 करोड़ वन्य जीव जलकर सुहा हो चुके हैं। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आग की लपटों से उठने वाले धुआं को ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूजीलैंड के शहरों से भी देखा जा सकता था। जंगल की आग पहले किताबी मुहावरा हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह एक स्याह हकीकत बनके पूरी दुनिया के सामने तांडव रच रही है। इससे पहले अमेजन के घने वर्षावन भी कई महीनों तक जलते रहे थे। अमेजन वर्षावन को पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह वन पूरी दुनिया में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादित करती है। यही हाल कैलिफोर्निया और फ्रांस के जंगलों का भी देखने को मिला था। स्थानीय सरकारें और पूरी दुनिया बेबस दिखी थी इन जंगल के आग को बुझाने में। बात भारत की करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के गर्मियों में भारत ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे भीषण जल संकट को देखा। यहाँ के 60 करोड़ लोगों के समक्ष जल संकट की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई थी। नदियां, तालाब एवं अन्य जल स्रोत सूख चुके थे। मोटर हैंडपंप पानी देना बंद कर दिए थे। बिहार समेत पूरे भारत का ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया था। फिर सितंबर के आखिरी कुछ दिनों में अनियंत्रित बरसात हुई, जिसके कारण एक ओर जहां ग्राउंड लेवल वाटर की प्रतिपूर्ति तो हुई, वहीं दूसरी ओर इसने बाढ़ जैसी समस्या को उत्पन्न कर दिया। साथ ही प्याज गोभी जैसे सब्जियों के खड़ी फसल को नष्ट किया, जिसके कारण आगे चलकर पूरे देश में प्रचंड महंगाई का दौर शुरू हुआ। दिसंबर बीतते बीतते पूरे उत्तर भारत में पिछले 102 साल के रिकॉर्ड स्तर को पार करते हुए ठंड पड़ी। पूरी दुनिया में घट रहे इस प्रकार की मौसमी घटनाओं के पीछे प्रकृति एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवीय कृत भी जिम्मेदार है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद पिछले 250 सालों में जिस कदर पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया गया, प्रदूषण फैलाई गई, इसके कारण इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमनद पिघल कर निचले शहरों को डुबा रही है। कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं अत्यधिक सुखार उत्पन्न हो रही है। मौसमों का परिवर्तन अनियंत्रित हो गया है। मनुष्य का रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गया है। फसलों का यील्ड कम हो गया है। धरती धीरे धीरे जल रही है और आमादा है सभ्यताओं को जलाने के लिए। लेकिन इस प्रकार की आकस्मिक एवं असंतुलित प्राकृतिक घटनाओं को कम किया जा सकता है, यदि मानव सचेत हो जाए पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को लेकर। तब जरूरत है धरती के सीने पर लगे जख्मों को भरने का, उसे हील करने का। इसके लिए हमें सबसे पहले अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने होंगे, पानी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग करना होगा, उसकी बर्बादी को रोकनी होगी, जीवाश्म ईंधन के बदले अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा, साथ ही ऐसे विकास मॉडल को चुनना होगा जो प्रकृति को कम से कम क्षति पहुंचाए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को संतुलित करने के दृष्टिकोण से बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य भर में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन के लक्ष्य को समझने से पहले एक पेड़ की महत्ता को समझते हैं। एक पेड़ साल में 20 केजी धूल सोखता है, 700 केजी ऑक्सीजन छोड़ता है, 20,000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। गर्मियों में एक पेड़ के पास सामान्य से लगभग 4 डिग्री सी कम तापमान रहता है। इस तरह घर के पास 10 पेड़ लगे हों तो आदमी की उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। साथ ही पर्यावरण संतुलन हेतु 33% भूभाग पर पेड़ का होना आवश्यक है, क्योंकि एक और जहां पेड़ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है, वहीं वर्षा को आकर्षित कर जल संकट को भी दूर करती है। अतः पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करके जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत पूरे राज्य भर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से कई करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस के दिन एक दिन में 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ मृत पड़ चुके जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। लोगों में जागरूकता लाने के दृष्टिकोण से 19/1/2020 को पूरे राज्य भर में मानव श्रृंखला का भी आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य एवं नैतिक जिम्मेदारी है। अतः इस जिम्मेदारी को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, सबों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना होगा। तब जाकर हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल उन्हें तोहफा में दे पाएंगे।
क्योंकि धरती और पर्यावरण को जितना नुकसान हुआ है उसे संतुलित होने में वक्त लगेगा। इसलिए हमें भी अपने प्रयास को निरंतर और लगातार जारी रखना होगा। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में जल जीवन हरियाली मिशन की महत्ता काफी बढ़ गई है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें एवं उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करें।